हाँ दे दूंगी 5 महीने में, तूने भी तो दिए थे ना। ठीक है हाँ तो तू भी देगा भाई जल्दी से, नहीं तो पिट जाएगा बेटा। देखा जैसे दिवाली आ रही हो, बिल्ली भाग गई, लक्ष्मी होती है बिल्ली। ऑपरेशन है का होगा अगले महीने। क्या होगा ऑपरेशन? अभी उठी हूँ साथ उठी हूँ। देखा बेटी का हाल देख लो और माँ के हाल देख लो, मतलब आई। अरे वो बिल्कुल मैस हो गया खाना, कसम कसम नहीं नहीं हो गया वो गाइस इसमें पनीर। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, आज सुबह 11 बजे से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मम्मी और जा चुके हैं, मम्मी और पापा एम्स हॉस्पिटल। और ये देखो भाई बहाना मार मार के ये उठाए 11 बजे। यार हाँ जी सर दर्द हो रहा है, 9 बजे से उठा रही हूँ मैं, 8 बजे से उठी हुई हूँ। क्या सर में दर्द? नहीं जब इसको जिम जाना होता है उसके सर में दर्द हो जाता है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तो आज नहीं गया। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा जा रखे हैं आई चेकअप के लिए, क्योंकि पापा को भी आई चेकअप कराना था, तो पापा के फ्रेंड कोई नोन में है वहाँ पे, तो उन्होंने फिर कार्ड वार्ड बनवा दिया था, तो इसलिए मम्मी भी चली गई साथ साथ कि दोनों का आई चेकअप हो जाएगा। तो वो वहाँ पे जा रखे हैं, अब गोलू निकलेगा 12 बजे करीब वहाँ के लिए ऑफिस के लिए, और मैंने आटा वाटा करके रख दिया, तो गोलू के लिए रोटी बनाती हूँ, लंच पैक करती हूँ, और हम दोनों के लिए नाश्ते के लिए भी बनाती हूँ। और साथ ही साथ दिवाली की सफाई वगैरह भी चल रही है, मम्मी ने कल ऊपर के ड्रॉ सारे क्लीन करे थे, नीचे के करने हैं आज, तो आज लड़ियाँ भी निकालनी है, मम्मी के साथ मिलकर निकालती हूँ, देखती हूँ कितनी सही है कितनी गल वैसी है, मतलब जो चल नहीं रही है, अगर नहीं चलेंगी तो फिर नहीं लानी पड़ेंगी। और ये तो मैं लेके आ गई थी, आप लोगों को पता दिखा दिया था कल। और अभी गोलू उठ के करेगा नहा के, पूजा तो पापा ने कर दी है लेकिन माला रखी है, तो उस टाइम तक माला नहीं आई थी, तो माला चढ़ानी है, सुन रहे हो? हाँ तो पापा पूजा करके चले गए थे, पापा मम्मी दोनों ही, लेकिन माला उस टाइम नहीं आई थी क्योंकि मम्मी और पापा 7 बजे निकल गए थे, तो अब 8:30 बजे आई थी माला। तो अभी गोलू नहाएगा, फटाफट से पूजा करेगा, तब तक मैं लंच वगैरह पैक करूंगी, नाश्ता बनाऊंगी। बोल दे तो चाय के लिए, चाय भी बना दी थी मैंने, दे देती मैं तेरे को। सुन बिस्किट देख ले वहाँ पे है अंदर। ये गाइस मैंने आटा करके रख दिया है, देखो कितनी वो पता नहीं क्या है ये, मैंने भी नहीं देखा, देखिए क्या है बिस्किट, वो लग रहा दूध वूध अगर किसी ने दिया होगा। अच्छा ये रंदी चाची ने दिया है मम्मी को, ओके खोल ले। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, और स्वागत है भाई आपका हमारी नई वीडियो में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे। आज है ट्यूसडे और दिवाली के कितने दिन बचे हैं? आज 7 तारीख है मेरे ख्याल से ना, 10 तारीख है, 2 दिन। हाँ तो 7 तारीख है आज, 6 तारीख है आज, 6 तारीख है, हाँ 7 तारीख आज, तो मेरे ख्याल से 5 दिन बाद दिवाली है संडे को। और अकेली फोन पे लगी रहेगी ये पूरे दिन भर, तो अकेले तो लगता ही है, तो भाई चलो मैं तो निकल रहा हूँ, 12:01 हो गया, अब मेरी 1 बजे की शिफ्ट हो गई और 9:30 बजे छुट्टी छुट्टी वाले ऑफ होगा मतलब। तो ओके गाइस मिलता हूँ मैं आपको थोड़े कितने 8.5 घंटे नहीं बल्कि 9.5 घंटे 1 घंटे आने में लगता है, एक गैप के बाद 1 घंटे आने में लगता है, तो पूरे 9.5 घंटे बाद मिलता हूँ। ओके बाय बाय, निकल अब जल्दी, 2 मिनट में आप ले रास्ता, 3 मिनट रुक जाएगा। क्यों क्यों क्या 3-4-5 तक निकलूंगा, क्यों ये क्या बात होती है, अजीब है लॉजिक देख लो, अगर अभी हम कुछ काम बोलते तो 2 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास, 2 मिनट का ये हमारे लिए रख लेना है कि सबसे अलग है क्या, नहीं ये मैं लेके आई हूँ रामा और कीनू के लिए, आया बड़ा ये हमारे रख लेना एक, तो बस रात को। तो भाई मम्मी ने नहीं बोलता ऐसे कि घर के लिए भी लेके आना अलग से, मेरे को बोलते हैं। और गाइस फाइनली मुझे मिल चुके हैं 1000 रुपए रक्षाबंधन के, अब आने वाला है भैया दूज, तू देगी भैया, इसलिए गाइस सोचो हाँ दे दूंगी 5 महीने में, तूने भी तो दिए थे ना, गजब बेइज्जती है। हाँ तो तू भी देगा भाई, तुझमें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई बहन खुद देगा, भाई दोनों मतलब देंगे, नहीं, नहीं 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 नहीं, निकल ले जल्दी से नहीं तो पिट जाएगा बेटा। देखा जैसे दिवाली आ रही हो, बिल्ली भाग गई, लक्ष्मी होती है बिल्ली का नाम, तू है ना, तेरे वजह से तू कलप लगा दी थी भाई, पता है गाइस क्या करता, आपने देखा ही था इससे ऐसे पागलों की तरह ऐसे ऐसे करके डरा दिया, वो डर गई, पता नहीं था यार कि वो आती है मोर पंख से डरती है भाई, बिल्लियां डरती नहीं है, वो छोटी बच्ची है वो डर गई, वो सोच रही वो क्या है, और उसके मन में डर बैठ गया, उससे डरती नहीं है वो, आती क्यों नहीं आती, रोज खाना मांगने आती है, तो भाई घर पे तो आती है ना, अंदर तक जरूरी नहीं है, घर में तो आई रही है, दिवाली के दिन ये बिल्ली दिखना शुभ होता है,
सोच लोग इसके लिए इतना पागल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो आती है हमारे, मैंने सुबह खाना दिया, उसे दूध दिया है, आई है मांगने खाना और क्या। हाँ तो गाइस मम्मी और आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे के गई हुई मम्मी, थक गए। क्या बताया डॉक्टर ने आपको? पापा क्या बताया आपको वैसे डॉक्टर ने? आपसे कोई बीमारी नहीं निकलती मेरे को। वाओ प्राउडली बोल रहे हो? Yes. बोलो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मम्मी देख रहे हो? ऑपरेशन है का होगा अगले महीने। क्या होगा ऑपरेशन? सफल ऑपरेशन लेजर। पापा डर नहीं लग रहा आपको? किस बात का डर है मम्मी? नॉर्मल है आजकल मम्मी। यार आपको आपका नहीं है मोतियाबिंद? क्या है आपको? इसका कुछ नहीं है, इसका बिंदु खराब है। मम्मी के बिंदु ही खराब है, निकलता है कुछ नहीं। मम्मी क्या डॉक्टर बोल रहा है हमारी मशीन आपके लिए खराब हो जाती है? नहीं मेरी आंखें वैसी खराब। बहुत टाइम लग गया लेकिन क्या आदमी बैठे हैं वहाँ? किस चीज के लिए? आंखों के लिए। और पता मैं इतना बोर हो गई, दिमाग खराब हो गया साला। मेरे को लग रहा कवाएंगे कवाएंगे। काम क्या करती कर तो देखो, चमकारा का सारा अंदर वो बाथरूम बाथरूम टंकी भर दी, और क्या करूँ यहाँ पे चाटू पानी भर। हाँ पानी भर मशीन मैंने वो कर दी मम्मी, पानी भर रखा है। हाँ पानी वाली सब भर रखा है, कपड़े नहीं डाले मैंने, खाना वाना सब रेडी है, बर्तन वर्तन सब धुल रखे हैं। तो हम पापा मम्मी और को देते हैं खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये लोग खाएंगे, 3 तो बजी चुके हैं। मम्मी कब आ? हम लोगों ने अच्छा वो तो दे ही दिया था ना गेट, 3:30 हो गए हैं। तो मम्मी उठ चुकी हैं अभी और टाइम हो रहा है, अभी तो नहीं उठी थी मम्मी, 6:30 बजे उठ गई थी, बट मैं चली गई थी तब मार्केट। और मैंने मार्केट में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं गई थी अपनी पूजा बहन के साथ, और उस टाइम पे मतलब उस मतलब अभी होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कैमरे में मतलब अच्छा नहीं लगता ऑन कैमरा, तो इसलिए बस मैंने कुछ शूट नहीं करा, मैंने कुछ शूट नहीं करा। और दूध नहीं है बताना चाहिए, तो मम्मी आप भी कुछ ध्यान रखा करो, आप भी गृहस्थी जीवन जी रही हो, आपको भी थोड़ा सा होश होनी चाहिए। 7 बजे ही अभी उठी हूं। 7 उठी हूं, देखा बेटी के हाल देख लो और माँ के हाल देख लो, मतलब आई हूं। 3 बजे आ गए थे आप? हाँ 7 घंटे बाद उठी है, 4 घंटे बाद। सॉरी मम्मी ये बताओ कि क्या हुआ वहाँ पे आज, कैसा रहा आपका हॉस्पिटल में जाके, कैसा लगा? गंदा बट कैसा लगा? बहुत गंदा ना। एक मिनट गाइस, वहाँ पे ना साथ के साथ लड़ियों का भी काम चल रहा है, तो लड़ियाँ लग रही है, ये देखो लड़ियाँ निकाल दी, क्या देना। और ये सारी इधर उधर पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, ये पूरा काम चल रहा है। मम्मी ये बताओ कि आपको हॉस्पिटल में जाके कैसा लग रहा था? गंदा, इतनी भीड़ है, पागल भीड़। और आपको डॉक्टर ने क्या बताया? इसके लिए कुछ छुपी नहीं है, क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या बताइए डॉक्टर ने? मैंने पूछा कि ना एज हो गई है आपकी, ये क्या बात होती है? ऐसी भी कोई एज नहीं हो गई, आफ्टर 40 की कमी होती है। मैंने कहा इतनी थोड़ी होती है, पास का भी कम दूध का भी कम, कुछ तो प्रॉब्लम होगी मसल्स में, मोतियाबिंद है क्या है? आपकी पापा का क्या है? पापा का मोतियाबिंद। कितनी? एक आंख में ऑपरेशन बोला है, लेजर वही होगा और क्या होगा। कब डेट दी फिर? अभी डेट नहीं दी, अभी डेट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे उसके लिए। तो आपके लिए तो दे दी स्पेक्स के लिए? हम तो सोच रहे थे पूरी ऊपर से नीचे बिल्डिंग तक लगाते, लेकिन पेड़ देख लो आप। फिर बस फिर वो कह रही थी कि सब सेम लगाते तो अच्छी लगती। मैंने कहा आंटी कोई नहीं, हम लगा देंगे यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक, तो तब देखते हैं। अभी तो हम ही लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे तो कोई लगाए ना, छज्जे से दिखेगा पेड़ के दक्कल में इतना। आंटी कह रही सारा छोड़ो, पेड़ों पर लगा दो, पेड़ों पे बढ़िया लगेगी। मैंने कहा ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी लग रही है लड़ियाँ, अभी इस साइड की लग चुकी है, अभी लगी रही है मतलब इधर आधी लग चुकी है, अभी पूरी हो जाएगी ना फिर जला के दिखाऊंगी। तो आज बन रहा है खाने में ये आलू का छोल, और यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है, मसाले डोसे का हमें। लेकिन उसमें पनीर नहीं दिख रहा मुझे, अरे वो बिल्कुल मैस हो गया खाना, कसम कसम से। नहीं नहीं हो गया वो, गाइस इसमें पनीर दिख रहा है आपको कहीं? ये मसाले डोसे का मसाला रेडी हो चुका है। और ये प्याज किस लिए? अरे भूल गई प्याज डालना। अच्छा प्याज डालना भूल गई, कितना दिमाग है देख लो बाप। और आज बन रहा है डोसा क्योंकि वो बैटर बचा हुआ था, फिर ज़्यादा दिन तक बचता तो ख़राब ही होता, तो इसलिए आलू की तरी वाली सब्जी बन रही है, ग्रेवी मतलब आलू का झोल बोलते हैं गढ़वालियों में। और मसाला डोसा बन रहा है मसाले डोसों के लिए, मेरे जैसे मसालों के लिए। और मैं बनाऊँगी भी चटनी, मम्मी का नहीं, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। मम्मी का नहीं, कोई बोल रहा ना मम्मी खाती नहीं है,
अच्छी बातें करते हो यार। तो सकल नहीं देखे है, कहाँ है बेटर? बेटर है कहाँ? तो बस फिर कोई नहीं, बेटर की शक्ल क्या देखनी है। अरे दिवाली की सफाइयाँ बाद में करना। दिवाली की जैसे हम रोज करते हैं दिवाली की सफाई, मतलब वही। तो डोसा तो हमने परसों दिखा दिया था कि कैसे बनाती है मम्मी या कैसे बनाया है, तो आज इसलिए मैंने दिखाया नहीं। रोज रोज सेम चीज दिखाना तो होता भी नहीं, और टाइम हो चुका है 9:50 हो रहे हैं। गुड़ को फोन करा था, बोल रहा है अभी अभी निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से, 9:30 बजे तक की शिफ्ट है उसकी, लेकिन वो बना था आज ऑफिस में वीडियो। 10-15 मिनट इसलिए लेट हो गया, 15-20 मिनट। तो मैंने बोला भाई अब लेट का शिफ्ट है तो वीडियो वगैरह मत बनाया कर, कह रहा यार क्या करें एक दो घंटे वीडियो तो बनानी पड़ेगी, इसलिए वो अब निकल रहा है ऑफिस से। आप अपना खाना खा रहे हैं, मम्मी ने यहाँ पे बना दिया है मेरे लिए डोसा, अब बन रहा है। वाओ देखो शानदार। ठीक है तो फटाफट से खाते हैं खाना, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छी खुशबू आ रही है, बन गया गई सब्जी ले दो दे दो। तो गाइस आपको मैंने बोला था कि मैं आपको 9:30 घंटे बाद मिलूंगा, लेकिन नहीं 10:30 या 11 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैं आज बहुत लेट आया था ऑफिस से और फिर मैं पहुंचा 10:30-11 बजे, काफ़ी लेट हो गया था। तो खाना वाना खाया यार 11:15-11 बजे तक, और फिर मैं लेट गया था क्योंकि हाँ मम्मी और भी फिर 5 बजे उठे थे, पापा लोग गए थे और मतलब तो सब लोग थक गए, और सर में भी दर्द हो ही जाता है यार इतनी देर तक तुम अगर कहीं पर रहो फिर आओ। और मुझे तो ये वाली कमर में दर्द हो रहा है पीछे की साइड, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ भाई, माँ कल जिम जाना है पक्का ही पक्का, आज नहीं गया था क्योंकि थोड़ा आलस थोड़ा सर में दर्द वो हो गया था, लेकिन कल पक्का पूरा मोटिवेट होके जाना है जिम चाहे कुछ भी हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माँ चंद्रपदनी, जय माँ सुरकंडा।